बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड द न्यूमेरिकल ऑफ मास मास रिलेशनशिप, दैट इज टाइप वन ऑफ न्यूमेरिकल वन। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप वन का यानी कि मास मास रिलेशनशिप का हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल हल किया था। इस वीडियो में हम टाइप वन यानी कि मास मास रिलेशनशिप का सेकेंड न्यूमेरिकल हल करने जा रहे हैं। ये आपका न्यूमेरिकल है, मास मास रिलेशनशिप का सेकेंड न्यूमेरिकल है। डिटरमाइन द मास ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ 5000 ग्राम ग्लूकोज। इसमें कह रहे हैं कि 5000 ग्राम ग्लूकोज को फर्मेंटेशन करने पर इथाइल अल्कोहल का कितना मास हासिल होगा। फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो होता है वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप फर्मेंटेशन लिख लें। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। आपको जो गिवन है, क्या गिवन है? ग्लूकोज का आपको मास गिवन है। तो सबसे पहले लिख लिया डिटरमाइन द मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, जो हमें मालूम करना है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, उसका फार्मूला लिख लें। फार्मूला C2H5OH, ये आपको मालूम करना है, ये आपको मालूम करना है। और मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये आपको गिवन है 5000 ग्राम, ये आपको गिवन है। सही है, अब इन दोनों के मोलर मास निकाल लें क्योंकि हमें मोलर मास की जरूरत पड़ेगी। मोलर मास C2H5OH इथाइल अल्कोहल, ये होता है आपका, इसका होता है 46। सही है, आप निकाल सकते हैं 46 ग्राम पर मोल। अच्छा, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इसका होता है 180 ग्राम पर मोल। सही है, अब हम सॉल्यूशन कैडी लगाएंगे और हम पहले करेंगे यूनिटी मेथड से। सही है, बाय यूनिटी मेथड। सही है, जिसमें हम वन में कैलकुलेट करते हैं। यूनिट के माने क्या है? वन। अच्छा, पहला स्टेटमेंट हमारा इक्वेशन की बेस पर होता है, और वो भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और ये आपकी इक्वेशन पूरी बैलेंस है। सही है, अच्छा अब इसमें आप देखें बैलेंस, यहाँ पे जो है कार्बन बैलेंस नहीं है, कार्बन यहाँ पे जो है 2 to the 4 और 2 लगा लें। अब कार्बन बैलेंस हो गए, कार्बन यहाँ पे 6 है और कार्बन यहाँ पे 2 to the 4 और प्लस 2 6 हो गए। अच्छा, एच पे आइए, एच 5 और 1 हाइड्रोजन 6 हो गए, 6 को 2 से डिवाइड किए 12 हो गए, तो ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन में 12 है। अब ऑक्सीजन पे आइए, ऑक्सीजन 6 है, तो ये 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 और 2 to the 4, 4 और 2, 6, तो ये क्वेश्चन पूरी बैलेंस हो गई हमारी। अच्छा, अब जो है पहला स्टेटमेंट जो होता है, जो आपका इक्वेशन की बुनियाद पर होता है, ग्लूकोज का कितना मास इथाइल अल्कोहल का कितना मास प्रोड्यूस कर रहा है। सही है, अब मोलर मास लेंगे ग्लूकोज का 180 ग्राम, 180 ग्राम ग्लूकोज प्रोड्यूसेस इथाइल अल्कोहल का होता है 46 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 46 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इथाइल अल्कोहल जो है उससे पहले 2 लगा हुआ है, तो यह आएगा आपका 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल। फार्मूला लिख लें, यहाँ पे जो है आप नाम लिख लें इथाइल अल्कोहल। सही है,
अब निकालेंगे वन में, सही है, वन में निकालेंगे क्योंकि हम यूनिटी मेथड कर रहे हैं, क्योंकि हम यूनिटी मेथड कर रहे हैं। वन में निकालेंगे, वन ग्राम ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 92 डिवाइड बाय 180, 92 को 180 से डिवाइड कर देंगे। इससे पहले वाली वीडियो में जो है मैंने आपको समझाया था कि वन में जो है कैसे करते हैं, सैलरी का जो है मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी सैलरी की, 92 अपॉन 180 ग्राम इथाइल अल्कोहल, सही है। अब निकालेंगे हम, इसमें पूछा गया है, किसे पूछा गया है, 5000 ग्राम ग्लूकोज पूछा गया है। अब 5000 ग्राम ग्लूकोज में निकालना, सही है। अब इस 5000 ग्राम ग्लूकोज को हम यानी 5000 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से, यानी 92 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 5000 ग्राम इथाइल अल्कोहल, सही है। अब इस 92 को आप 5000 से मल्टीप्लाई कीजिए और 180 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल का मास निकल आएगा, 92 मल्टीप्लाई बाय 5000 और डिवाइड बाय 180 आ गया 2555 और 0.55 मास ऑफ इथाइल अल्कोहल आ गया 2555 और 0.55 ग्राम, यह आपका आंसर आ गया। और ये था आपका यूनिटी मेथड, सही है। अब हम जो है आपका जो सेकंड मेथड है कन्वर्जन मेथड, हम उससे भी देख लेते हैं, हम उससे भी देख लेते हैं कि उससे क्या आंसर आ रहा है। सेकंड मेथड जो है आपका कन्वर्जन मेथड है, नंबर टू है आपका कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में सबसे पहले वो लिखेंगे जो आपको मालूम करना है, यानी कि मास ऑफ इथाइल अल्कोहल, इक्वल टू सबसे पहले वो लिखेंगे जो आपको गिवन है। सवाल में क्या गिवन है, सवाल में आपको 5000 ग्राम ग्लूकोज गिवन है, ये लिख लेंगे 5000 ग्राम ग्लूकोज, फार्मूला लिख लें। अब इस ग्राम ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करेंगे मोल ग्लूकोज में, क्योंकि हम कन्वर्जन मेथड कर रहे हैं, ग्राम ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करेंगे मोल ग्लूकोज में। अब एक मोल ग्लूकोज में कितने ग्राम होंगे, ग्लूकोज का मोलर मास 180 ग्राम, डॉट अभी कंटिन्यू है, सही है, लाइन खींचेंगे डॉट लगाकर। अब हम मोल ग्लूकोज को मोल अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, सही है, ये क्वेश्चन मैं दोबारा ले लेता हूं, अब देखिए आप एक मोल ग्लूकोज, सही है, वन लिखा हुआ नहीं लेकिन अंडरस्टूड है कि लिखा हुआ है, एक मोल ग्लूकोज दो मोल अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक मोल ग्लूकोज कितना मोल अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा है, दो मोल, तो दो मोल C2H5OH डॉट
अब हम मोल इथाइल अल्कोहल को या मोल अल्कोहल को हम ग्राम अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे कि एक मोल C2H5OH इसमें कितने ग्राम होंगे? अल्कोहल का मोलर मास 46 ग्राम, C2H5OH यहां पे लाके हम स्टॉप कर देंगे क्योंकि ग्राम यूनिट है मास का, सही है, और ग्राम यहां पे आ गया है, ग्राम यूनिट है मास का और ग्राम वहां पे आ गया है। अब हम कैंसिल करेंगे ग्राम ग्लूकोज को ग्राम ग्लूकोज से कैंसिल करेंगे, मोल ग्लूकोज को मोल ग्लूकोज से कैंसिल करेंगे, मोल इथेनॉल को मोल इथेनॉल से कन्वर्ट करेंगे कैंसिल करेंगे, अभी हमारे पास ग्राम इथेनॉल बच गया, सही है। अब जो वैल्यूज न्यूमेटर में उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर में उनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करके हल कर लेंगे, तो ये आपका आ गया 5000 मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या है 46 डिवाइड बाय नीचे क्या है 180 मल्टीप्लाई बाय और नीचे क्या है नीचे और कुछ नहीं है सिर्फ 180 है, सही है, नीचे सिर्फ आपका 180 है और नीचे कुछ भी नहीं है, सही है, तो नीचे आपका सिर्फ 180 है। अब इसको आप हल कर लें 5000 मतलब 2 मतलब 46 डिवाइड बाय 180 ये वही आंसर आ गया 2555.55 ग्राम, सही है, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल आ गया। तो पहले लेता हूं मैं, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल 2555.55 ग्राम। आप देख सकते हैं यह आपका आंसर है ये कि दोनों मेथड से ये मेथड कौन सा हुआ है, ये यूनिटी मेथड से हुआ है ये और ये आपका कन्वर्जन मेथड से हुआ है ये, सही है, दोनों मेथड से हल हुए हुए फॉल हुए हुए जो आंसर है दोनों सेम है, सही है। तो ये इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका टाइप वन यानी कि मास मास रिलेशनशिप कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप टू यानी कि मास मोल रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा, थैंक यू।